गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन वोकैबुलरी का नया सेशन लाता हूँ, जिसमें जो है हम लोग नए रूट वर्ड के बारे में सीखते हैं, नए रूट वर्ड के बारे में जानते हैं, नए वोकैबुलरी को सीखते हैं। और ये जो रूट वर्ड है आपके वोकैबुलरी को इन्हांस करेगा, बूस्ट करेगा, आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगा। नए रूट वर्ड के बारे में सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आज का जो रूट वर्ड है वो है ईगो। ईगो ईगो का मतलब होता है सेल्फ और आई, जहां पर मैं वाली बात आती है वो उसको हम कहते हैं ईगो, सेल्फ या फिर आई, जहां पर मैं वाली बात होती है उसको हम कहेंगे ईगो। पहला वर्ड है ईगो रूट वर्ड का इगोइस्ट। पहला वर्ड क्या है? इगोइस्ट। इसका मतलब होता है सेल्फिश, स्वार्थी। स्वार्थी किसे कहते हैं? जो अपने फायदे के लिए सोचता है, जो हम हमेशा अपने फायदे के लिए सोचता है, उसे हम बोलते हैं सेल्फिश। तो पहला वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश, स्वार्थी। अपने ये बस एक डायलॉग था, अपना काम बनता भार में जाए जनता, वो वाली कहानी यहाँ पर है। इगोइस्ट में वही होता है, अपना काम बनता भार में जाए जनता। इगोइस्ट का मतलब सेल्फिश। दूसरा है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट, दोनों वर्ड में हल्का सा अंतर है। यह था इगोइस्ट और यह है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट उसको कहते हैं जो वन हु इज फेवरेट टू हिमसेल्फ, जो अपने आप का फेवरेट हो। वन हु इज फेवरेट टू हिमसेल्फ, जो अपने अपने आप का फेवरेट हो उसे हम क्या बोलेंगे? इगोइटिस्ट। इगोटिस्ट उसे क्या बोलेंगे? इगोटिस्ट। जो अपने आप का फेवरेट है उसे हम बोलेंगे इगोटिस्ट। जैसे आपने फिल्म देखा हुआ जब वी मेट, उस जब वी मेट फिल्म में करीना कपूर अपने आप का फेवरेट थी, तो वो क्या थी? करीना कपूर वाज ए इगोटिस्ट इन द फिल्म ऑफ जब इन द फिल्म जब वी मेट, इन द फिल्म जब वी मेट। फिर है इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ, वन थिंक हिमसेल्फ एज अ सेंटर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। वन हु, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही सोचता है कि जो भी इस अगल बगल में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी घटना हो रहा, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वह है। तो वैसे व्यक्ति को हम बोलेंगे इगोसेंट्रिक। ही इज अ इगोसेंट्रिक। अब आगे है ईगो मैनियाक। ईगो मैनियाक, वन हु इज एक्सट्रीमली, वन हु इज एक्सट्रीमली मैड अबाउट हिज नीड्स, डिजायर्स और इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी तरह से मैड हो, पूरी तरीके से मैड हो, उसे हम बोलेंगे ईगो मैनियक। ही इज अ ईगो मैनियक, जो कि अपनी इच्छाओं के लिए, जो कि अपनी डिजायर्स के लिए, जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए एक्सट्रीमली मैड हो, एक्सट्रीमली मैड हो, वैसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ईगो मैनियाक। फिर आगे है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, अल्टर ALTER, अल्टर इज योर ईगो। वैसा व्यक्ति वन हु इज सेम एज यू और अदर सेम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तुम बिल्कुल हूबहू परछाई हो। वन हु इज सेम एज यू और अदर सेल्फ सेल्फ, उसे हम क्या कहेंगे? अल्टर ईगो। जैसे आपने एक सीरियल आया था बहुत पहले शक्तिमान, उसमें शक्तिमान था और गंगाधर था, तो हम क्या बोल सकते थे? गंगाधर इज ए अल्टर ईगो ऑफ शक्तिमान। गंगाधर इज ए अल्टर ईगो ऑफ शक्तिमान। या फिर जो आपने फिल्म देखा होगा जुड़वा, जुड़वा फिल्म में एक राजा था और एक प्रेम मल्होत्रा। तो जुड़वा फिल्म जो सलमान खान का फिल्म है, हम राजा और प्रेम मल्होत्रा, तो उसमें क्या था? राजा इज ए अल्टर ईगो ऑफ प्रेम मल्होत्रा। उसमें दोनों सलमान खान जो था डबल रोल में थे, और उन्होंने जो है दो किरदार निभाया था, एक सलमान, एक राजा का और एक प्रेम मल्होत्रा का। तो हम बोल सकते हैं राजा इज ए अल्टर ईगो ऑफ प्रेम मल्होत्रा। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। गंगाधर इज ए अल्टर ईगो ऑफ शक्तिमान। गंगाधर इज ए अल्टर ईगो ऑफ शक्तिमान।
शक्तिमान, जो बिल्कुल एक जैसा देखने में लगता है, जो परछाई होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टर ईगो बोलेंगे, अल्टर ईगो। जैसा कि फिल्म जुड़वा में देखा, जैसा कि गंगाधर और शक्तिमान का था। उम्मीद है ये वीडियो, ये सेशन आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए सनशाइन पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन वोकैबुलरी से जुड़ा एक सेशन लेकर आता हूं, जिसमें हम जो है नए वर्ड्स, नए रूट वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। फिर मिलते हैं अगले रूट वर्ड्स के, अगले वोकैबुलरी के साथ, एक नए रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।